नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। एग्जाम 2022 का पेपर वायरल, चौथी पारी में आए पेपर के सवाल हुबहू, फिर खड़े हुए सवाल रीट एग्जाम 2022। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की चौथी पारी का प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रीट एग्जाम 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की चौथी पारी का प्रश्न पत्र परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र वापस ले लिया था। इसके बाद भी प्रश्न पत्र बाहर आने पर परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जैसे ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसकी जांच की जाए। वायरल प्रश्न पत्र और चौथी पारी में आए पेपर के सवाल हुबहू हैं। गौरतलब है कि चौथी पारी का पेपर 3 बजे से शुरू हुआ था। इसके लिए 2 बजे ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दे दिया गया। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उप निदेशक जनसंपर्क राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि प्रश्न पत्र 94 पृष्ठ का था। परीक्षार्थी को परीक्षा के बाद उसे जमा कराना अनिवार्य था। संभव है कि अभ्यर्थी ने कुछ पृष्ठ फाड़ कर जेब में रख लिए हो और उसे वायरल कर दिया हो। परीक्षा समाप्त होने के बाद ऐसे वायरल करने जैसी कोई घटना होती है तो वह मायने नहीं रखती। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना ने ट्वीट कर कहा कि चौथी पारी के पेपर में करीब 42 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। जब पेपर को अभ्यर्थियों द्वारा जमा करवा लिया गया तो यह सोशल मीडिया पर कहां से आए। उन्होंने कहा कि सत्यता की जांच होनी चाहिए।